पूरे देश एवं प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस और अमृत महोत्सव धूमधाम से मनाने एवं तिरंगा घर घर पहुंचाने की कवायद चल रही है, जिसमें सरकारी गैर सरकारी संस्थानों विद्यालयों व कॉलेज के द्वारा तिरंगा यात्रा की जागरूकता के उपलक्ष्य में हाथ में तिरंगा झंडा लेकर जगह जगह रैलियां निकाली जा रही है। आज उसी के उपलक्ष्य में छाता पुराने तहसील स्थित शहीद भगत सिंह पार्क में छाता उद्योग व्यापार मंडल के व्यापारी बंधुओं के द्वारा तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि बतौर उत्तर प्रदेश सरकार कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने सहभागिता की। उद्योग व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारियों के द्वारा कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण, जिलाध्यक्ष उद्योग व्यापार मंडल कमल किशोर वास ने नरदेव चौधरी एवं अन्य का फूलमाला दुपट्टा नोटों की माला के साथ जोरदार स्वागत किया गया। मंत्री के द्वारा सर्वप्रथम शहीद भगत सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण कर तिरंगा यात्रा को झंडा दिखाकर रवाना किया गया, जो कि मेन बाजार सब्जी मंडी गोवर्धन चौराहा नई तहसील से होते हुए बैंड बाजों की देशभक्ति धुनों के साथ धूमधाम के साथ निकाली। इस दौरान कस्बे के सभी व्यापारी ने हाथ में तिरंगा झंडा लेकर तिरंगा यात्रा को दिव्य और भव्य बनाने के लिए भारत माता के जयकारे लगाते हुए शहीद भगत सिंह पार्क पुरानी तहसील पर जाकर संपन्न किया। देखिए मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, स्केच न्यूज। मंत्री बताइए, आज आजादी के अमृत महोत्सव पे ये प्रोग्राम किया गया तिरंगा रैली, क्या कहना चाहेंगे? छाता व्यापार मंडल के द्वारा आज अमृत महोत्सव के अवसर पर तिरंगा रैली का आयोजन किया गया, एक सभा का आयोजन किया गया। सरदार भगत सिंह जी की प्रतिमा लोकार्पण करने के बाद रैली का शुभारंभ हुआ है। आज पूरा देश तिरंगा मय हो रहा है। प्रधानमंत्री के आह्वान पर देश ने अमृत महोत्सव को एक दल जाति धर्म सब अमृत महोत्सव को मनाया है। ये आज सभी ने स्मरण किया है, अमर शहीदों ने हमारे देश को आजाद करने के लिए कुर्बानी दी, उनके साकार करेंगे, उन्हें भारत को विश्व